Hi guys, welcome back to my channel. वैसे आज मेरा मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने ट्राई किया था वो विंग आई लाइनर और दैट टर्न्ड आउट टू बी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उसी के वजह से मेरी फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी दैट आई गॉट टू नो लेटर ऑन. मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ. कमेंट सेक्शन पर सबसे पहले मुझे ऑल द बेस्ट बोलो. वैसे जब तक आप ऑल द बेस्ट लिखोगे मैं ये ब्लॉग डालूंगी तब तक तो मेरी मीटिंग हो चुकी होगी. बट स्टिल मीटिंग के लिए जा रही हूँ. उसके बाद आई थिंक मैं हेयर स्पा के लिए जाऊँगी क्योंकि मेरे बाल मुरझा से गए हैं, सेट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा और डेली इतना आयरन कर करके मैं टकली होती जा रही हूँ दिन पर दिन. आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे बताओ मैं टकली हो रही हूँ. वैसे तो बहुत सारे बाल है तो छोड़, बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है. मुझे कमेंट सेक्शन पे हेयर फॉल के लिए भी बताओ कि मैं क्या करूँ. और ओके मैं बट मीटिंग ऐसी हुई है एंड अभी मैं घर जा रही हूँ मम्मी और दीपू को पिक करने के लिए और उसके बाद मैं जाऊँगी हेयर स्पा कराने. मैं बहुत जोश में आई थी कि हेयर स्पा करवाऊँगी. उसके बाद से मेरा प्लान चेंज हुआ कि हेयर स्पा नहीं, बॉडी स्पा करवा दूँ. तो उनको फ़ोन किया तो नहीं हुआ. उसके बाद से मैं सोचा नहीं चलो ठीक है बैक टू हेयर स्पा पर आ जाती हूँ. तो हेयर स्पा के लिए मैं आई यहाँ मॉल में तो यहाँ पर इनसे बात हुई तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट लिया नहीं ओवर स्मार्टनेस में. अब बचा क्या, सुबह एक्चुअली क्या मीटिंग में गई थी तो जब भी मीटिंग होती है ऐसा कोई इंपॉर्टेंट शूट होता है ना तो भूख नहीं लगती ना. अब भूख लग रही थी ज़ोरों से और आप मानोगे नहीं गाड़ी में मेरे पेट में से इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि ड्राइवर गला हंसने लग गए थे. तो अभी स्पा का तो जो मुझे बड़ा वाला धोखा मिला है वो तो ठीक है. अभी जाके पहले कुछ खाती हूँ फिर दोबारा ट्राई करूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे. पेट भर के खा लिया है और ये मेरा डिनर था. इससे ज़्यादा आपको पता है आप कभी भी दीपू के साथ आओगे ना कभी भी खाली पेट नहीं रहोगे. वो आपको इतना खिलाएगी कि हट जाओगे किसी दिन. क्योंकि मैं बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाली हूँ वो आपको पता चलेगा. उसके लिए थोड़े से कपड़े चाहिए थे तो मैंने सोचा शॉपिंग. तो मैं ये कह रही थी कि लाइफ में आप कभी भी दीपू के साथ कहीं भी जाओ तो आप खाली पेट नहीं रह पाओगे. वो रहने ही नहीं देगी और इतना खिलाएगी कि उसकी जैसे बना देगी वो. और अब मुझे इशारा कर रही है नो 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 बट स्टे. बहुत कॉन्शियस है मेरी बहन तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बोलो कि उसी के साथ मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ. मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा बुरा क्रैम्प आ गया है और इतना ज़ोर से आया कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ. तो अनफॉर्चुनेटली जो इतना स्टाइल मारते हुए मैंने बोला था मैं हेयर स्पा कराऊंगी, मेरा प्रॉमिस है और ऐसा है वैसा सब कचरे में गया क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ. तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली और भी दो तीन काम थे लेकिन अब सब गया. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इतना सारा खाया है इसलिए आया था. खाने के लिए ऐसा मत बोल. ओह सॉरी दीपिका और खाना. आई गेट इट. ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग. मेरा जब भी डे ऑफ रहेगा आई विल ट्राई टू मेक न्यू वीडियोस बट मेरी डे टू डे लाइफ के वीडियोस ही रहेंगे. एंड इफ़ यू गाइस वांट कि मैं कोई ऐसे चैलेंजेस शूट करूं दीपू और मैं खाने का कंपटीशन करें तो वो मैं नहीं करूंगी क्योंकि दीपिका ही जीतने वाली है. आज जो प्रॉमिस किया था वो तो चला ही गया तो अब मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी. सीधा जब करने जाऊँगी तभी रिकॉर्ड करके बताऊँगी. और मैं ये सब छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट हो रही हूँ एक्टिंग छोड़ के और बहुत दूर शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है. और जोकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ और उसके ब्लॉग भी बनाऊँगी तो स्टे ट्यून्ड. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सॉरी एक बार मैं फिर से आ गई क्योंकि मैं भूल गई आपको दिखाना कि आज मैंने क्या क्या खरीदा. ये मैंने एक इसे क्या टॉप बोलते हैं मुझे नहीं पता
ये सब मैं गाड़ी में शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर पे जाके बहुत ज़्यादा आलस आ जाएगा मैं जानती हूँ, इसलिए ये मैंने एक टॉप खरीदा, वो आपको तो प्राइस भी दिख गया होगा। फिर मैंने फिर से एक टॉप खरीदा, वो इसका भी प्राइस दिख जाएगा। हाँ वैसे मैं आपको बता ही सकती हूँ ना, बता क्यों नहीं सकती, ये मैंने खरीदा है 1290। फिर से एक टॉप खरीदा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अब मैं हर एक ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये है, ये थोड़ा सा चीप है, 890 का। ये टॉप खरीदा, फिर से एक टॉप खरीदा, ये भी बहुत सिंपल सा ही है, और ये है उससे भी चीप, 490 का। सारे चीप चीप कपड़े खरीदे मैंने, बट दिस इज़ नाइस क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और मैंने खरीदा है, इधर है ये गाड़ी और ये फ़ोन। और मैंने खरीदा है, मैं मुझे पता है, देखो तो मानेगी नहीं, बिलिंग के टाइम पे मुझे क्लिक हुआ कि समर स्टार्ट हो गए हैं, मैंने इतने बड़े बड़े स्लीव्स के, बड़े बड़े पैंट्स वाले नाइट ड्रेस क्यों लिए। ये मैंने खरीद लिया फुल स्लीव्स वाला, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं ख़रीदना चाहिए था मुझे, बट ठीक है नेवर माइंड। और मैंने ये चप्पल, मुझे कलरफुल चप्पल चाहिए थी तो मैंने वो खरीदी है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, इसीलिए मैंने ये ख़रीदा है। दिस इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड एंड दिस इज़ फॉर 1199। ये थोड़ी सी महंगी है यार, थोड़ी सी चीप हूँ, सॉरी। फिर ये मैंने एक और ख़रीदी है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, इसीलिए। ये है 799 की, विच इज़ वर्थ द प्राइस। और है, और दीपू का सामान है। बस ये थी मेरी आज की शॉपिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो आप जो देखते हैं मेरे व्लॉग्स इतने सारे जो एडिट हो रहे हैं और लेट लेट अपलोड हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी के वजह से हो रहा है क्योंकि ये मुझे टाइम पर एडिट करके नहीं देता और मुझे टाइम पे तो नहीं देती है। अगर आपको किसी को बोलना है तो इसी को जाके बोलो कि जल्दी एडिट करके मुझे वीडियो कर देगा।